हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को केराटोलाइसिस एक्सफोलिएटिवा के बारे में बताऊंगा। ये बीमारी क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे में समर सीजन यानी गर्मी के सीजन में अपने हाथ से चमड़ी निकलने लगता है और कभी कभी विंटर यानी ठंडी के सीजन में भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है और कभी कभी ये विंटर सीजन यानी ठंडे के मौसम में भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। ये हाथ के साथ साथ पैर में भी पाया जाता है। ये जो बीमारी जब शुरू होता है, हाथ के सेंटर में छोटा छोटा एयर बबल्स और एयर ब्लिस्टर शुरू होता है और वो धीरे धीरे फटने लगता है। उसके बाद वो जगह में स्किन निकलने लगता है। वो जो स्किन निकलता है धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते जाता है और कुछ दिन के बाद पूरा हाथ और पैर से चमड़ी निकलने लगता है और ये रिकरेंट होता है यानी बार बार होता है। एक ऊपर वाला चमड़ा निकल गया, नया चमड़ा आया, फिर नया वाला चमड़ा, फिर दोबारा निकल गया, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है किसी को तो पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हाइपोथेसिस है यानी कुछ अनुमान लगाया जाता है कि जो लोग ज्यादा पानी में काम करते हैं, जैसे कि कोई फिशरमैन हुआ, कोई वॉशरमैन हुआ, यानी जो लोग कपड़ा वॉश करते हैं उनके हाथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जो लोग मछली पकड़ते हैं उनके हाथ में भी साल्ट वाटर लगने के बाद चमड़ी निकलने लगता है, और जो लोग बहुत बार बार अपने हाथ को साबुन से सैनिटाइजर से वॉश करते रहते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। और कुछ कुछ बच्चे ये सारे काम नहीं करते फिर भी उनको ये होता है। कैसे होता है, जिन लोगों का हाथ से पैर से ज्यादा पसीना निकलता है वो पानी हाथ में जम जाता है और वो लोग जब कोई फ्रिक्शन वाला यानी रगड़ लगने वाला काम करते हैं, जिम जाते हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं, तो उनके हाथ से चमड़ी निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ टेस्ट करने के बाद पता चला है कि ये एक टाइप ऑफ एक्जिमा है, सब क्लिनिकल एक्जिमा है, यानी एक्जिमा का छोटा वेराइटी है, सब क्लिनिकल एक्जिमा है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये केराटोलाइसिस एक्सफोलिएटिवा है, क्योंकि ये बीमारी बहुत सारे लोग देखे होंगे लेकिन ये नाम नहीं पता होगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कंफ्यूजन होता है क्योंकि और कुछ स्किन का बीमारी होता है जो देखने में एक जैसा लगता है लेकिन वो अलग बीमारी होता है और उसका अलग सा ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट क्या होता है, टीनिया मानम, यानी कभी कभी हाथ में फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी दाद होता है जो देखने में ऐसा ही लगता है, यानी वहां से हाथ से चमड़ा निकलते रहता है, जिसे हमारा ग्रॉइन में यानी थाइज में जो जैसे दाद होता है वैसे गोल गोल रिंग रिंग नहीं होता है, हाथ वाला दाद अलग होता है। हाथ में जब दाद होता है वहां पे सिर्फ स्किन निकलता है, इसे गोल गोल रिंग रिंग कोई ऐसा नहीं होता है। और एक होता है पामोप्लांटर सूर्यसिस, जब हाथ और पैर में सूर्यसिस होता है वो जब शुरू होता है तब ऐसा दिख सकता है। और एक होता है बुखार के बाद बच्चों में जब हाइग्रेड फीवर होता है, एक होता है स्कारलेट फीवर, वो जब ठीक हो जाता है उसके बाद हाथ पैर से चमड़ी निकलने लगता है। और एक होता है कावासाकी डिजीज, ये जब डिजीज होता है बच्चों में तब उनके हाथ पैर से बहुत ज्यादा ही चमड़ा निकलते हैं, इसका वीडियो हमने बना है, हमारे चैनल में है, आप इसको देख सकते हैं। और एक होता है क्रॉनिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी हाथ में कुछ चीज लगने के बाद वहां पे एक्जिमा होता है और ये जब सूख जाता है वहां से चमड़ी निकलने लगता है और ये वैसे ही दिखता है। लास्ट में होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यानी कुछ दवाई खाने के बाद भी आपका ये हाथ में और पूरा बॉडी में स्किन पिलिंग होता है यानी स्किन निकलने लगता है, और इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी ये केराटोलाइसिस एक्सफोलिएटिवा से हमको डिफरेंशिएट यानी अलग करना है, और ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी वैसा ही दिख सकता है। तो इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, यानी पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होता है। फर्स्ट होता है पेशेंट को बहुत डिस्ट्रेसिंग यानी एम्बरेसमेंट होता है, जब भी वो बाहर कहीं पे जाता है अपने हाथ को किसी के सामने नहीं निकाल पाता है, किसी के साथ हैंडशेक नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा हाथ से चमड़ा निकलता रहता है जिसके वजह से पेशेंट को बहुत बुरा लगता है। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल, और क्या होता है, हाथ में कभी कभी इचिंग होता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग को कोई इचिंग नहीं होता है, और पुराना ऊपर वाला चमड़ी निकल जाता है, अंदर से जो फ्रेश न्यू वाला स्किन आता है वो थोड़ा नाजुक रहता है और वो जल्दी ही फट जाता है, कहीं पे अगर कुछ फ्रिक्शन हुआ, कहीं पे कुछ वहां पे घर्षण लगा तो वो स्किन क्रैक हो जाता है और वहां पे अल्सर हो जाता है यानी घाव हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है और पेन होता है, और लास्ट में कभी कभी वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाता है।
तो लास्ट में चलिए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट में क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों में ये जब समर सीजन यानी जब गर्मी का सीजन खत्म हो जाता है ये ठीक हो जाता है, और जो बच्चे में ये विंटर में यानी ठंडी के सीजन में ज्यादा होता है, ये ठंडी का सीजन जाते जाते ये ठीक हो जाता है। लेकिन और कुछ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जो करने से आपका ये प्रॉब्लम और भी जल्दी ठीक हो जाता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाना, और मॉइस्चराइजर ऐसे चूज करें जिसमें आपका यूरिया हो, लैक्टिक एसिड हो, क्योंकि ये केराटोलाइटिक होता है यानी आपका जो डेड स्किन होता है ये निकाल देता है। अगर किसी को ये मॉइस्चराइजर से ठीक नहीं होता है और खुजली ज्यादा होने लगता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टीरॉइड क्रीम भी लगाने के लिए दिया जा सकता है, और कुछ खाने का दवाई भी इसमें यूज होता है जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक, अगर किसी को ज्यादा खुजली हो तो उसको खाने के लिए लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन ऐसे कुछ दवाई खाने के लिए दिया जाता है। और कुछ कुछ रेजिस्टेंस केसेस में जिसका बहुत सिवियरली एक्सेसिवली पीलिंग होता है उनको ओरल एसीटेटिन नामक का एक दवाई दिया जाता है। लेकिन ये दवाई अपने से मत खाइए, ये हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा कर ही खाइए, कितना डोज में खाना है, कितना दिन तक खाना है, और इसको खाने से पहले क्या टेस्ट कराना है वो आपका डॉक्टर आपको बोलेगा, उसके बाद ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक केराटोलाइसिस एक्सफोलिएटिवा के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर करिए, जिसको एक प्रॉब्लम है उनको ये दिखाइए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फायदा मिले। थैंक यू, नमस्कार।